स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसराइल दौरे की। देश के पहले प्रधानमंत्री जो इसराइल गए हैं, और ये एक ऐसी घड़ी है जब अरब कंट्रीज के साथ में भारत के मधुर संबंध और दूसरी तरफ इसराइल के साथ में हमारी लगातार टेक्नोलॉजी को लेकर के एग्रीमेंट्स और एमओयूज रहे हैं। वहां का हमें जो सैन्य संसाधन से जो हमें वहां से टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें वेपन्स मिलते रहे, वो हमारा एक एग्रीमेंट है। तो ऐसे वक्त जब इसराइल और अरब कंट्रीज के बीच एक आपसी मनमुटाव मतभेद लगातार जारी है, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि ये टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, विदेश नीति अपने साथ है, तो किस तरह से बैलेंस कर पाएंगे और इस संबंध में जो जानकार हैं उनका क्या सोचना है। लेकिन इसी बीच एक और हम जिक्र करेंगे, वो जिक्र होगा कि हाल ही में रविवार को जब गोवा दौरे पे भाजपा सुप्रीमो अमित शाह गए तो उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब देश के प्रधानमंत्री किसी मुल्क में जाते थे तो पता भी नहीं चलता था ना हिंदुस्तान को ना विदेश को कि कोई देश चला गया। और एक अब की धमक है कि किसी को भी पता चलता है कि नरेंद्र मोदी कहां गए हैं। और विदेश यात्राओं की भी बात करें तो अमित शाह साहब का कहना था कि नरेंद्र मोदी ने काफी कम यात्राएं की हैं विदेश की अपेक्षित मनमोहन सिंह, लेकिन वो क्या आंकड़े हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल आप सुनिए कि इसराइल दौरे और उसकी पृष्ठभूमि जन टीवी की नजर से। पीएम मोदी के इसराइल दौरे से भारत को आतंकवाद से लड़ने में मिलेगी मदद। इसराइल की रक्षा संबंधी टेक्नोलॉजी मानी जाती है काफी मजबूत। भारत के इसराइल के साथ हैं घनिष्ठ संबंध, जबकि पाकिस्तान से इसराइल के साथ हैं सामान्य किस्म के संबंध। ये मोदी के दौरे से भारत को कई क्षेत्रों में मिल सकता है व्यापारिक लाभ। ये पहला मौका है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री इसराइल का कर रहा है दौरा। पीएम मोदी इसराइल के विपक्ष के नेता से भी करेंगे मुलाकात। इसराइल की सभी पार्टियां भारत के हैं पक्ष में। भारत ने इसराइल को 1950 में मान्यता दी थी, लेकिन दोनों देशों के बीच 1992 में ही कूटनीतिक संबंध बन पाए थे। इसका कारण यह था कि भारत इसराइल के विरोधी फिलिस्तीन के करीब था। इसके साथ ही चाहे वो चीन के साथ 1962 का युद्ध रहा हो या पाकिस्तान के साथ 65 और 71 की लड़ाई या फिर कारगिल युद्ध, इसराइल से काफी आयुध भारत ने लिया था। 1977 में भारत ने दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की कवायद तेज की थी, जिसे राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए आगे बढ़ाया। 1992 में नरसिंहा राव ने पूर्ण राजनीतिक रिश्ते शुरू किए थे। इसके बाद 2015 में पहली बार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसराइल का दौरा किया। इस तरह से दोनों देशों के बीच रिश्ते लगातार अच्छे होते रहे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा ऐतिहासिक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री का इसराइल दौरा काफी पहले से ही चर्चा में आ गया था। इसराइल ने भी इस यात्रा को लेकर बहुत अच्छे संकेत दिए और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मोदी को अपना करीबी दोस्त बताया। माना जा रहा है कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच पिछले 25 सालों से जो कूटनीतिक संबंध स्थापित हैं उन्हें नई पहचान मिलेगी। इसराइल यात्रा से यह संदेश भी जाता है कि भारत अब इसराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों के बीच अपने संबंधों को अलग अलग रखना चाहता है और अब एक देश से संबंध के चलते दूसरे देश की अनदेखी नहीं की जाएगी। इस यात्रा के माध्यम से भारत अमेरिका के करीबी इसराइल से संपर्क बढ़ाकर पाकिस्तान, चीन और रूस के बीच बढ़ रही नजदीकियों को एक मजबूत संदेश देना चाहता है। इसके जरिए निश्चित तौर पर भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को और ज्यादा मजबूत करना चाहता है। दरअसल इसराइल के साथ संबंध स्थापित करने से भारत को अमेरिका के साथ साथ आतंकवाद, साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ने के लिए दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी और सुरक्षा भी मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो चलिए, आपने देखा इस पूरी यात्रा की पृष्ठभूमि और इसराइल के साथ में किस तरह के संबंध हमारे हैं और विदेश नीति
हमारी जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है इसराइल और अरब देशों दोनों के साथ। एक देखिए ये ऐसी यात्रा है नरेंद्र मोदी की जो दोनों तरफ से ही हम देखें और पूरा देश उनको शुभकामनाएं देता है कि अरब देशों के साथ हमारे अपने संबंध हैं और दूसरी तरफ इसराइल के साथ में हमारे अलग संबंध हैं। वो लेकिन उन दोनों के बीच जो मतभेद हैं वो किसी से छिपे नहीं, और ऐसे मौके पर दोनों को खुश रखना जरूरी है क्योंकि दोनों ही भारत की आवश्यकताएं हैं और भारत में उनकी एक आवश्यकता है। हम उन सब तमाम पहलुओं को लेकर के चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस वक्त जाने माने विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर करोड़ सिंह जी हैं, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं, भाजपा नेत्री निमिषा मुकुंद गौड़ हमारे साथ हैं। चलिए डॉक्टर साहब मैं आपसे मुखातिब होकर जानना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे मौके पर है, हालांकि मौके अरब कंट्रीज और इसराइल के बीच में कभी मधुर, जब से बना 48 से जब हमले हुए हैं और जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने अलग अलग करा दिया तब फिलिस्तीन को और यहूदियों को अलग हिस्सा दे करके, तब से इनके मनमुटाव चल रहा है और अभी तक मुझे लगता है कि वो खत्म कब होगा ये तो कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन फिलहाल हम यात्रा की बात करें नरेंद्र मोदी की, कितनी महत्वपूर्ण यात्रा है और इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं? देखिए योगेंद्र जी, इसराइल की यात्रा हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं ये एक अभी तक की यात्राओं में एक्सेप्शनल यात्रा हो, एक्सेप्शनल इस सेंस में कि आज तक हमारा कोई भी प्रधानमंत्री इसराइल नहीं गया। इसराइल के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, हमारे लिए ऑलरेडी कुछ संबंध अच्छे बन रहे हैं क्योंकि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन इसराइल से लगभग 25 साल पहले शुरू हो गए। इसराइल की कुछ मामलों में अच्छी एक्सपर्टीज है, जैसे एग्रीकल्चर के फील्ड में और विशेष रूप से राजस्थान जैसा रेगिस्तानी क्षेत्र है उसके लिए काफी मददगार हो सकता है अगर अच्छे रिश्ते हुए हों इसराइल से और कुछ समझौते हों तो। दूसरा जो एडवांटेज हो सकता है डिफेंस को लेके, तो वेपन्स वगैरह या दूसरी चीजें, ये भी इसराइल को इसमें काफी फायदा हो सकता है क्योंकि उनको हथियार बेचने हैं और भारत दुनिया में हथियारों का खरीदार सबसे बड़ा है, सऊदी अरब और भारत, तो इसराइल के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है जो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, इसराइल में ये कैपेसिटी है या कॉम्पिटेंस है कि वो साइबर आर्म्स बना ले, और साइबर आर्म्स में अगर भारत और इसराइल मिलके कुछ करते हैं तो फ्यूचर में अगर साइबर स्पेस को लेके कोई प्रॉब्लम आती है तो इसराइल और भारत एक साथ खड़े हो सकते हैं, ये और भविष्य की चुनौती भी है ये। लेकिन अब भारत की कूटनीति को हम किस तरीके से देखें, आज भारत के चारों तरफ जो कूटनीतिक परिवेश बन रहा है वो एक बहुत जटिल बनता दिखाई दे रहा है मुझे। जटिल इस सेंस में लग रहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बात सामान्यता कहते हैं कि अगर तनाव बढ़ता है तो ये मान के चलते हैं कि कूटनीति हमारी कमजोर हो रही है जी। और अगर युद्ध होता है तो ये मान के चलते हैं कि कूटनीति लगभग खत्म सी हो गई है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आज जिस तरह का कूटनीतिक वातावरण भारत के चारों तरफ बन रहा है उसमें लग रहा है कि हमारी कूटनीति कुछ कमजोर होती लग रही है। हम इसराइल के नजदीक जा रहे हैं यहां तक तो ठीक है, लेकिन हमारी कूटनीति कुछ कमजोर होती लग रही है। आज इसराइल और अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत है, अमेरिका और इसराइल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत का नजदीक जाना। भारत के कुछ फायदे हैं आर्थिक दृष्टि, आर्थिक विकास में या दूसरे क्षेत्रों में सामरिक दृष्टि से भारत को कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन ज्यादा जरूरत उनकी है, ज्यादा फायदा उनका है। तो ऐसी स्थिति में हम पूरे संदर्भ को कैसे देखें, हमारे प्रधानमंत्री आज तक हमने एक तरह का इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में संतुलन बनाने का प्रयास किया है। फिलिस्तीन को हम मोरल सपोर्ट भी देते रहे हैं, उनको ये मान के चलते हैं कि उनके कोई नैतिक अधिकार हैं, उनके ऊपर इसराइल अत्याचार करता तो हम इसराइल की आलोचना भी करते रहे हैं। तो इस स्थिति में हम किस रूप में देखें, क्योंकि हम फिलिस्तीन इनको इस समय नजदीक नहीं ले रहे हैं, लेकिन अरब कंट्रीज हो सकता है हमारे को, भारत को यह आशंका थी कि हम इसराइल का सपोर्ट करेंगे तो अरब कंट्रीज हैं, मुस्लिम देश हैं, वो हमारे अगेंस्ट में हो जाएंगे। लेकिन आज का कूटनीतिक परिवेश जो अरब जगत में है वो बिल्कुल एक तरह का ध्रुवीकरण का सा बना हुआ है, जैसे कतर में के अगेंस्ट में चार देशों ने कुछ कहा, 13 पॉइंट दिया, जो कोई भी स्वाभिमानी देश 13 पॉइंट पे एग्री नहीं करेगा, कतर एग्री नहीं कर रहा है। इधर टर्की और ईरान है वो कतर का खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां भी इतना डिवीजन है कि ऐसा नहीं लगता है भारत के अगेंस्ट में कुछ होगा इसराइल जाने से, लेकिन हमें फिलिस्तीन इनके मामले में भी अपनी सहानुभूति रखनी चाहिए और उसको भी साथ साथ हमें सपोर्ट करना चाहिए जो हमारी परंपरागत नीति रही है
सही फरमा रहे हैं आप। और किसी भी राष्ट्र के शासनाध्यक्ष के लिए ये एक महत्वपूर्ण परीक्षा की घड़ी होती है कि जब ऐसे मौके पे आप किसी बिंदु पे जाते हैं, यानी कि आप इसराइल जा रहे हैं और वहाँ एक विवादास्पद भूमिका होती है कि जो मुस्लिम राष्ट्र हैं वहाँ, खासकर गल्फ कंट्रीज, उन देशों के अरब कंट्रीज जो है उनके बिल्कुल नापसंद है इसराइल, और कहें कि उनके साथ जिस तरह के मनमुटाव, अगर उसे ध्यान में रखते, जबकि हम कोशिश करते हैं कि वो भी खुश रहें और इसराइल के साथ में हमारे संबंध हम साध सकें और किसी तरह का कोई मनमुटाव, यही एक परीक्षा की घड़ी है नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि पहली मर्तबा कोई प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का वहां पे पहुंचा है और जाने के बाद अभी देखना होगा। हालांकि मुझे लगता है कि कोई ऐसी परिस्थितियां पैदा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी का कोई हिडन एजेंडा नहीं है, किसी ऐसे वो अपना कोई गुप्त रूप से कोई दौरा तय नहीं करके गए, पहले से दौरा तय था। और जो अभी सूत्रों से जानकारी मिलती है या फिर जो गलियारों की चर्चाएं हैं उनसे साफ है कि ब्यूरोक्रेसी ने और डिप्लोमेटिक जो पूरा प्लान तैयार करते हैं उन सब लोगों ने एक एक्सरसाइज भी की है कि अरब देशों पे क्या इसका असर पड़ सकता है, फलस्तीन नहीं जाएंगे तो क्या हो सकता है, अगर वहां जाकर के आते हैं तो क्या हो सकता है, इसराइल के तक ही दौरे को क्या सीमित रखा जाना चाहिए, तमाम चीजों को लेकर के पूरी एक्सरसाइज की गई है। चलिए आरसी चौधरी साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ और मैं जानना चाहूंगा योगेंद्र जी, इसमें मैं आपको सुषमा स्वराज जी का वो बयान याद दिलाना चाहूंगी जिसमें उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन से हमारी कोई नाराजगी, हमारे कोई संबंध खराब नहीं होंगे, ये एक मात्रा ये है कि इसराइल एक सपोर्टर 1948 से, सॉरी इंटरप्ट योर क्वेश्चन बिटवीन 1948 से जब से गठन हुआ, 1950 में जब से हमने इसको स्वीकारोक्ति दी है, तब से इसराइल, क्यों किरोड़ीमल जी, इसराइल जो है सदैव से भारत का सपोर्ट करता है, 25 वर्ष पूर्व इसके राजनीतिक संबंध तो है, लेकिन 92 से हम लोगों के 92 से 92 से हमारे राजनयिक संबंध बने हैं, 25वीं वर्षगांठ बनाने की ओर है। तो मुझे नहीं लगता कि इस आधार को हम फिलिस्तीन को लेकर के हम लोग कोई कूटनीतिक जिस तरह की आप अपना आकलन कर रहे थे उसको नहीं करके हम एक सकारात्मक भाव देना चाहिए। नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें नकारात्मक सकारात्मक का इशू नहीं है? अभी बातचीत कर रहे थे ना, बातचीत में कूटनीतिक कमजोरी कहीं पर भी नहीं। नहीं, आपने समझा नहीं, आप, मुझे लग रहा है कि सुन नहीं पाई ठीक से। इनका ये कहना होता है कि किसी भी राष्ट्र के सामने एक चुनौती होती है, विदेश नीति और कूटनीति, अगर कहीं तनाव होता है तो उसका अर्थ यह है कि आप सुन लीजिए, आपने तो फिर आप पे पूरी बात नहीं कह पाएंगी। हाँ, क्योंकि करोड़ी सिंह जी का ये उद्देश्य नहीं था, ये केवल इसराइल के संदर्भ नहीं है, इनका कहने का मतलब एक डेफिनेशन है, आप ये समझ के चलिए कि विदेश नीति और कूटनीति की जो एक परिभाषा है वो संबोधित करके बता रहे थे कि अगर किसी मुल्क के साथ में आपका अगर तनाव होता है, यानी कि आपकी कूटनीति कमजोरी साबित हो रही है, और अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो इसका मतलब आपका सिस्टम कोलैप्स कर गया और कोई चारा ही नहीं बचा आपके पास में। ये फ्लोर मैनेजमेंट की आप तरह देखिए कि आपका मैनेजमेंट अगर बेहतर है तो सामने वाला आपको आंख नहीं दिखा सकता है, या कोई ऐसी चीजें नहीं हो सकती, आप पे बेहतर मैनेजमेंट के साथ चलेंगे, क्योंकि दोनों के रिश्ते तभी सुदृढ़ होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड भी करते हैं। आज इसराइल को हमारी भी आवश्यकता है, ऐसा नहीं है कि केवल इसराइल हमारी आवश्यकता बना हुआ है, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। इसी तरह से योगेंद्र जी, बिल्कुल मैं आपकी बात को स्वीकार, तो ये बात जो कह रहे हैं ये इसराइल के साथ में नहीं है। चलिए मैं आपके पास, जब इसराइल ने सपोर्ट किया, जब मैं आपके पास में आ रहा हूँ, अभी देखो चाइना का युद्ध इसराइल के साथ, अभी मुझे लगता है 1962 का जो मामला था वो इसराइल के साथ में कोई संबंध ही नहीं है उसका, वो बिल्कुल डिफेंस केस है। चलिए, हाँ वो मतलब नहीं है उसका। चलिए आरसी चौधरी साहब, मैं आपके पास में आना चाहूंगा, मैं ये जानना चाहूंगा कि पहली बार एक प्रधानमंत्री भारत के वो जाते हैं वहां पे, और मुझे लगता है कि पूरे मुल्क को शुभकामनाएं देनी चाहिए कि उनकी यात्रा अच्छी रहे, और क्योंकि हिंदुस्तान के एक प्रतिनिधि, एक पूरे 125 करोड़ का एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहां पे और वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। बात ये नहीं है कि बीजेपी के हैं कि कांग्रेस के हैं कि किसी और पार्टी के हैं, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है और इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। तो दौरे पे कोई किसी तरह का कोई रिएक्शन आना चाहिए? निश्चित रूप से आपने योगेंद्र जी से कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री, देश के हमारे मुखिया कहीं पे भी जाते हैं तो वो इस मुल्क के हर आदमी के एक प्रधान है, वो वहां पे जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपने जो अपने विशेषज्ञ हैं किरोड़ीमल जी, इन्होंने जो बताया, किसी भी देश की जो किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की जब किसी दूसरे देश में यात्रा होती है तो उसके कहीं ना कहीं कोई मायने निकलते हैं और अर्थ निकलते हैं। सबसे पहले उस मायने, जो किसी मुल्क का जो शासक है उसके जो शब्दों का, उसके व्यवहार का, अगर कहीं द्विभाषीय अर्थ में शब्दों, शब्द जिसके द्विभाषीय अर्थ होते हैं तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं संदेह और शंका प्रकट करते हैं। जिस प्रकार से बीजेपी की जो वक्ता है निमिषा जी ने मन में शंका जाहिर हुई, और किरोड़ी जी ने भी कहा कि इजराइल का, जिनके साथ में इजराइल तीन साइड से अरब देशों से घिरा हुआ है और अरब देशों के साथ में उसका जो युद्ध की सतत जो एक प्रक्रिया है वो चली रहती है,
जब उससे दूर बैठे जो लोग होते हैं वो उनकी सामरिक दृष्टि को ना देखे और वो कहीं ना कहीं धर्म के रूप में भी जुड़ती है, क्योंकि उन मुल्कों का विभाजन भी धर्म के आधार पर हुआ। इस देश के अंदर भी बहुत बड़ी एक आबादी है जो कहीं ना कहीं अरब शासित जो राष्ट्र हैं उनसे ताल्लुक रखती है। तो आप इस मुल्क के लोगों के बीच में एक विश्वास होना चाहिए कि हमारे जो राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री गए हैं वो इस मुद्दे के लिए गए हैं, इस चीज के लिए गए हैं और इस राष्ट्र को इस चीज का फायदा होगा। जब आपके राष्ट्र के अंदर जब चल रहा है कि नॉट इन द नेम, जब राष्ट्र के लोगों में ही इतना भय है नाम के आधार पे, इस चीज के आधार पे, तो इस आधार से लगता है कि वो इस बात को कैसे विश्वास बनाए रखेंगे। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की यात्रा करने से कहीं उसके नतीजे तो दुर्गामी होते हैं और आपके कूटनीतिक नतीजे भी उसी हिसाब से आते हैं। जैसे इन्होंने जो प्रक्रिया जो बात की चाइना की, जो 1962 की जो बात कर रहे हैं, चाइना के राष्ट्रपति भी यहां आए और हमने अहमदाबाद के अंदर उन्हें झूला झुलाया और बैठे साथ में, और जब वो राष्ट्रपति भवन में थे तब हमारे देश के अंदर चीनी सैनिक है वो घुसपैठ कर रहे थे। आज भी वही जो चीनी सैनिक है वो फिर इस देश के अंदर आके और वहां पे बंकर तोड़ के चले जाते हैं। तो किसी राष्ट्राध्यक्ष के आने से उसका विश्वास हम पूरा जीत लेते हैं। कोई भी मुल्क अपने सामरिक महत्व जो है उसके सामरिक महत्व को जब तक आप नहीं बचा के रख सकते, दूसरों के बीच में आपका कूटनीतिक मैसेज अगर प्रॉपर नहीं जाएगा तो उसका फायदा होने के बजाय नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जरूरी यह है कि आपकी कूटनीति इतनी चातुर्यपूर्ण हो कि हमारे सभी मुल्कों के साथ में जो संबंध है, एक के साथ में संबंध बनाए और दो के साथ में टूट जाए, ऐसे अगर व्यवस्था रहती है तो निश्चित रूप से वो एक तो चातुर्यपूर्ण भी बात कही आपने और दूसरे धोखे वाली बात भी कर रहे हो। तो चतुराई तो किसी भी मुल्क की बहुत साफ से दिखाई देती है कि ये क्या चतुराई कर रहे हैं। और देखिये चतुराई कई बार हम जान करके भी उसे ठंडे ड्रिकोल ड्रिंक की तरह अंदर हल्के उसे उतारनी भी पड़ती है कई बार। आज हर विकासशील राष्ट्र को मालूम है कि अमेरिका बहुत चालाकी के साथ में कंप्रोमाइज आपके एग्रीमेंट्स करता है, आपको आमंत्रित करता है और वो अपने खुद के नजरिए में कोई कंप्रोमाइज नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम उसे सैल्यूट करके रवाना होते हैं। तो ये एक देखिए देश जान करके भी आप उसे गले उतारते हैं। आज किसको मालूम नहीं है कि अमेरिका अपने जो खुद के हितों उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करता है। योगेंद्र जी, अमेरिका है, चाइना है, रूस है, ये विकसित राष्ट्र है और ये जो राष्ट्र है ये इस पूरे विश्व की पोल बने हुए, दूरियां बनी हुई है। पूरे राष्ट्रों को अपने हिसाब से उनकी तरफ डाइवर्ट करते हैं, अपनी तरफ से लेते हैं और अपने हितों के साथ में दूसरे मुल्क वहां पे आते जाते रहते हैं। लेकिन हम एक विकसित राष्ट्र हैं और विकसित राष्ट्र जब विकास से भरोसा रखना चाहिए कि जब देश के प्रधानमंत्री गए हैं तो पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे और कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी लेकर। ऐसा तो कहीं कहा, ऐसी बात तो कहीं, हम तो यही कह रहे हैं कि उनकी जो यात्रा है वो यात्रा इस देश के आंतरिक स्वाद को भी बनाए रखे और उस मुल्क के साथ में जो समझौते हैं वो भी हित के साथ में हो। तो विदेश का सौहार्द बनाने के लिए गए हुए हैं कि विदेश के सौहार्द से विदेश के साथ में सौहार्द और आपके आंतरिक स्वाद खत्म हो जाएं तो मुझे नहीं लगता आपके घर के अंदर क्लेश हो और बाहर आप कहीं पे प्रेमी हो। जाना नहीं चाहिए। कब कही हमने? हमने तो कहा कि जाए तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आप बोल दीजिए। निमित सर को सवाल करने की आवश्यकता है जो आप हिलोरे ले रहे हैं, आपके सब तरह बाहर निकाली होंगे। हिलोरे नहीं ले रहे, मैं इनकी बातों को सुनकर के उद्वेलित हो रही हूँ कि किस मंशा से ये हर घटनाक्रम को, इस देश की होने वाली हर तरक्की कहूंगी मैं उसको सांप्रदायिक रंग देने का क्यों प्रयास करती है कांग्रेस। सांप्रदायिक रंग तो क्या है कि एक बार देखिए आप बड़े, मैं पहली बार निमिषा गौड़ को देख रहा हूँ, बड़े शालीनता और शांति से सुन रही हैं। आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, आप बोलेंगे तो बहुत गड़बड़ोगे, मेरे लिए संभालना बहुत मुश्किल होगा। अभी निमिषा जी को बोलने दीजिए। विकास का एजेंडा जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी रखते हैं और चातुर्य से जिस तरह से वो इस पूरे विश्व के अंदर अपने भारत देश का इनोवेशंस को लेकर के साथ और सबके साथ सबका विकास, न केवल भारत का एजेंडा, पूरे विश्व का। अब इजराइल यात्रा को हम देखें, 25 वर्ष हो गए और जिस तरह से लगातार एक पूरा एक समय बीता है और उसमें इजराइल का जो सहयोगात्मक रवैया रहा है उसके आधार पर इस यात्रा को, और जब इनके राष्ट्रपति यहाँ पर आए, जिन मुद्दों पर हमारी सहमति बनी उन मुद्दों के आधार पर सकारात्मक रवैया देखा जाना चाहिए। कहीं पर भी आज जो है वैश्विक परिदृश्य में जब हम आपसी रिश्तों को देखते हैं तो सर्वप्रथम दो चीजें मद्देनजर सबसे ज्यादा योगेंद्र जी रहती है, एक तो होता है आर्थिक परिदृश्य और दूसरा सबसे ज्वलंत मुद्दा जो चल रहा है आतंकवाद। आतंकवाद को लेकर के इसराइल ने अपने आप में अनूठी मिसाल पेश की है। वो एक विपरीत प्राकृतिक वातावरण में पलने वाला एक ऐसा विकसित देश है जिसने पूरे विश्व में एक मिसाल पेश की है। एक बहुत छोटा सा देश है लेकिन आपस में उसने अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाया है। तो
तो अपने आप में मैं इसे नहीं कहूंगी कि आप इसको सकारात्मक रवैये से देखिए, और कृषि क्षेत्र में देखेंगे, रक्षा क्षेत्र में देखेंगे तो कोई सानी नहीं इसराइल का। तो आज प्रधानमंत्री जी की इसराइल यात्रा, आपने देखा होगा टर्की की यात्रा पर जब गए थे प्रधानमंत्री जी, तो मोसाद जो उनकी जो उनकी वहां पर जो रॉ है उसने पूरी सुरक्षा मुहैया करवाई थी बिना स्वार्थ बिना लाख लपेट के। हमेशा 1998 में जब पोखरण हुआ तब यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल चुप्पी साधी, पूरा विश्व विरोध करा, तब इसराइल ने चुप्पी साधी। सदैव एक सकारात्मक रवैये के साथ इसराइल का व्यवहार रहा है, और हमें 70 साल बाद जब भारत का प्रधानमंत्री इस देश की इस यात्रा पर निकला, इसराइल की यात्रा पर, एक सकारात्मक रवैये के साथ, धैर्य के साथ, और रिफॉर्म परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म करते हुए इस युवा को लेकर के, उस युवाओं के मुखटे को लेकर के इसराइल यात्रा पे गया है। तो मुझे लगता है कि इस यात्रा का बहुत दूरगामी और तत्कालीन परिणाम आपके सामने आ रहे हैं। चलिए एक सवाल है निमिषा जी, छोटा सा मेरा सवाल है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि छोटा सा मुल्क है लेकिन किस तरह से संपन्नता उसकी देखिए। वहां पे एक सबसे बड़ी बात जो है कि इंटरनली कोई डिस्प्यूट्स जो है वो कभी हाईलाइट नहीं होते, ना कभी आते हैं इस तरह के सामने। उनके लिए इसराइल प्रमुख होता है, इसराइल के लिए वो जीते हैं। मैं हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस की भावनाओं पे, उनकी देशभक्ति पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पे एक हम ट्रैक से हटते जा रहे हैं और पार्टी या हमारी आइडियोलॉजी ये प्रमुख होने लगी है। तो उसके बाद राष्ट्र प्रमुख या पहला हमारा जो हक होना चाहिए, हमारी जो नजरिया होना चाहिए, वो थोड़ा सा पीछे हिलता जा रहा है। हालांकि इसको कोई स्वीकार नहीं करता है कि नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा ही दिखाई देता है। राष्ट्र प्रमुख होना चाहिए चाइना हो, चाइना की देखिए हम चाहे 10 बुराइयां करते हो, हमारे साथ आज वो प्रतिद्वंदी की भूमिका अदा करता हो, लेकिन बहुत सारी चीज उनके लिए जिस तरह का राष्ट्र पहले चाइना, चाइना पहले उनके लिए है, तो वो एक हमारे यहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसराइल से हमें बहुत सारी चीजें सीखने। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये दौरा देश के प्रधानमंत्री का है, और हमें ये भरोसा रखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री, और पहली मर्तबा कोई प्रधानमंत्री जा रहा है, तो पूरे मुल्क को भरोसा इस बात का रखना चाहिए कि वो गए हैं कि बहुत अच्छा करके आएंगे, और कुछ अच्छी चीजें ही करके आएंगे, कुछ चाहे टेक्नोलॉजी के लेवल में, जैसे अभी कहा कि साइबर क्राइम हो, चाहे साइबर टेक्नोलॉजी हो या साइबर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चुनौतियां हो, ये भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, और इसराइल उसमें संपन्न है। वास्तव में हमारी आवश्यकता और इसराइल की आवश्यकता हमें, तो एक दूसरे पे जब तक डिपेंड नहीं होंगे और आवश्यकताओं को नहीं समझेंगे, जब तक बेहतर संबंध भी नहीं हो सकते। कूटनीतिक हमारी नीतियों के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि समय की डिमांड क्या है और उन चीजों को, उन आवश्यकताओं को पूरी कौन कर सकता है। क्यों अगर समय पर अगर आपने उन संबंधों का लाभ नहीं उठाया तो मुझे लगता है कि आप पिछड़ भी जाएंगे, ये समय की पुकार भी है। इससे जुड़ा एक छोटा सा क्वेश्चन डॉक्टर साहब मैं आपसे लेना चाहूंगा, ब्रेक का समय हो रहा है, लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरा यह है आपसे कि इसराइल छोटा मुल्क है इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन संपन्नता आप उसकी देखिए किस तरह के, एक मतलब होता है कि इंटरनली और चाहे आउटर दोनों सिचुएशन में आज कितना मजबूत है। वो चारों तरफ से मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है, बावजूद उसके हमेशा उस पर एक दहशत का माहौल रहता है, लेकिन किस तरह से वो जवाब देता है। देखिए योगेंद्र जी, संपन्नता केवल इसराइल की नहीं, सिंगापुर बहुत संपन्न है, साउथ कोरिया बहुत संपन्न है, ये छोटे छोटे देश हैं, हांगकांग भी छोटा सा देश था बहुत संपन्न था, तो संपन्नता इसराइल में है। हम इसराइल को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसराइल भारत को भी बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा है, और इसराइल लंबे समय से शायद ये इंतजार कर रहा था कि भारत बहुत नजदीक आए और नजदीक आए, और इसीलिए इसराइल के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर रिसीव करने आ रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री ने भी 3 दिन इसराइल के लिए रखे हैं। तो इस रूप में दोनों एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ये तो म्यूचुअल इम्पोर्टेंस की बात है, छोटे और बड़े की बात नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बराबर का होता है, इक्विटी होती है, सोवरेंटी को रिकॉग्नाइज करते हैं एक दूसरे की। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे योगेंद्र जी दो चीजें होती हैं, कभी कभी हम करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो सामरिक परिवेश होता है, कूटनीतिक परिवेश होता है, उसको कुछ राष्ट्र अपने हित में निर्देशित करते हैं, निर्धारण करते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय परिवेश होता है किसी राष्ट्र को एक दिशा में धकेलता है। तो प्रारंभ में हमारा प्रयास ये था कि हम अंतर्राष्ट्रीय परिवेश है।